नेशनल यूनिटी डे 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? जाने इसका महत्व और इतिहास। सरदार पटेल का जन्म 21 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। साल 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत की आजादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिन का उद्घाटन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके और नई दिल्ली में फॉर रन फॉर यूनिटी नामक कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर किया गया था। इस आयोजन को शुरू करने का उद्देश्य देश के लिए उनके असाधारण कार्यों को याद करके उनकी जयंती पर महान व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देना है। उन्होंने भारत को एकजुट रखने में वास्तव में कड़ी मेहनत की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं।